गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सर्जिकल मेथड। क्या होता है सर्जिकल मेथड? सर्जिकल मेथड में आपको दो चीज पढ़ने होती है। एक है आपका वासेक्टॉमी और दूसरा है आपका ट्यूबेक्टॉमी। वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी तो अलग अलग टर्म है और दो अलग अलग इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल है। ये जो वासेक्टॉमी है आपका, ये एप्लीकेबल टू मेल है, और ये ट्यूबेक्टॉमी ये एप्लीकेबल टू फीमेल है। वासेक्टॉमी में क्या होता है कि मेल का जो वॉस डिफरेंस होता है उसको कट कर दिया जाता है, मेल के वॉस डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का ट्रांसफर रुक सके। ट्यूबेक्टॉमी में वही ऑन कॉन्ट्रारी फैलोपियन ट्यूब को, जो कि फीमेल में पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब, उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहां पर जब उसको कट करके टाई कर दिया जाएगा तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि स्पर्म का ओवा से फ्यूजन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब। जब फैलोपियन ट्यूब कट हो जाएगा तो स्पर्म ओवा से कभी भी मीट नहीं कर सकेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये सर्जिकल मेथड जो है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है। अभी ज़्यादातर लोग इसको ही अप्लाई करते हैं क्योंकि अदर मेथड्स की तरफ उनका ध्यान अभी नहीं गया है। तो वासेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, दीज आर द टू मेथड जो सर्जिकल मेथड में आपको पढ़ने होते हैं। वासेक्टॉमी में मैंने बताया, वासेक्टॉमी में मेल के वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट रुक सके, स्पर्म जो टेस्टिस में बना है वो आगे फर्दर मूव नहीं कर सके। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, जैसा कि नाम बता रहा है, इन विट्रो, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। क्या होता है इसका मतलब, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अब यहां पर क्या है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है, स्पर्म प्लस ओवा का फ्यूजन कहां हो रहा है, आउटसाइड फीमेल बॉडी। स्पर्म और ओवा कहां फ्यूज कर रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर। तो इन केस में जो आपको देखना है, जो आपको समझना है, इन विट्रो का सीधा मतलब होता है मोस्टली स्पर्म फ्यूज करता है ओवा से कहां पे, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो जब ये इनसाइड द बॉडी फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को कहेंगे इन विवो। लेकिन जब ये आउटसाइड द फीमेल बॉडी इसका फ्यूजन हो रहा है तब ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इन विट्रो। क्या कहलाता है प्रोसेस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इस दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, कहीं पर भी गलती नहीं होना चाहिए, इन विट्रो और इन विवो। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि पहला ZIFT,
इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब क्या है, चूंकि ये पार्ट है किसका, ये आपका पार्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, आईवीएफ का पार्ट है, याद रखिए। तो आईवीएफ का सीधा मतलब क्या होता है, स्पर्म फ्यूज करता है किसके साथ, ओवा के साथ, कहां, आउटसाइड द बॉडी, बट डिफरेंस कहां आ रहा है, ये आईवीएफ का एक पार्ट है ZIFT, जिसमें डील करता है कि जब स्पर्म फ्यूज करेगा ओवा में, ठीक है, यानी कि इन टेस्ट ट्यूब, जो बेसिकली हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, टेस्ट ट्यूब में ही फ्यूज कराया जाता है, कहां फ्यूज कराया जाता है, टेस्ट ट्यूब में। इसका मतलब जायगोट का डेवलपमेंट कहां हो रहा है, जायगोट का डेवलपमेंट भी आपका टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, कहां हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। तो हम लोग अपने चैप्टर 3 में पढ़े थे कि जायगोट जो बनता है उसमें क्लीवेज होता है, क्या होता है, क्लीवेज होता है, वो 4 सेल 8 सेल 16 सेल इन स्टेजेस से पास करता है, तब वो जाकर के यूटरस में इम्प्लांट होता है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन पढ़े थे। जाइगोट बनता कहाँ है, जाइगोट आपका बनता है, रिवाइज करवा देते हैं आपको, जाइगोट बनता है फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ बनता है, लेकिन इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन होता है यूटरस में। तो इम्प्लांटेशन कब होता है, जब ये सारे प्रोसेस हो चुके होते हैं तब इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि 16 सेल के आसपास जब चला जाता है, 16 सेल से अधिक भी हो जाता है तो इम्प्लांटेशन होता है। तो इस केस में क्या है कि ये चूंकि ZIFT है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो जब टेस्ट ट्यूब में जाइगोट का डेवलपमेंट हो गया और ये जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक अगर आप रखते हैं, यानी कि यहाँ तक इस स्टेज तक, ठीक है, तो 8 ब्लास्टोमियर तक आप इस जाइगोट को उठा करके फैलोपियन ट्यूब में प्लेस कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा प्रोसेस अपनाते हैं कि जाइगोट का डेवलपमेंट जो कि आपने टेस्ट ट्यूब में किया था और अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक क्लीवेज शो करने के बाद आप उसको वापस फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, तो वो कहलाता है क्या, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, कमेंट आते हैं। इसके बाद एक दूसरा प्रोसेस है IUT, ये भी इसी का पार्ट है, ये है आपका इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये नाम ही इसका बता रहा है, यूटेराइन मतलब कहाँ ट्रांसफर करना है आपको, यूट्रस, यहाँ इसका नाम बता रहा था कहाँ ट्रांसफर करना है, फैलोपियन ट्यूब, मतलब जाइगोट जो बना आपका इन विट्रो, जो इन विट्रो आपका जाइगोट बना टेस्ट ट्यूब में, उसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, यूट्रस में ट्रांसफर करोगे, कहाँ ट्रांसफर करोगे, यूट्रस में ट्रांसफर करोगे, यानी कि यहाँ फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था और यहाँ ट्रांसफर कहाँ होगा, यूट्रस में होगा। तो ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जैसे यहाँ अप टू 8 ब्लास्टोमियर था आप ZIFT कर सकते हो, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आप क्या फॉलो करते हो, IUT फॉलो करते हो, ठीक है, क्या फॉलो करते हो,
IUT फॉलो करते हो। तो इस तरीके से आपने IVF के दो टेक्निक को जाना, मीन्स ZIFT और IUT। तीसरा एक इससे मिलता जुलता टॉपिक है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है, इसमें सीमेन इज आर्टिफिशियली इंसर्टेड और यू कैन से पोर्ड इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। ठीक है, आर्टिफिशियली सीमेन को पोर कर दिया जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल में। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो मेथड्स है वो जानवरों में ज़्यादा देखा जाता है और प्रैक्टिस में भी ज़्यादा है, उस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा प्रैक्टिस में। हाउएवर अब ये ह्यूमंस में भी प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। तो ये तीन टॉपिक जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन तीनों टॉपिक को इन डिटेल समझना होगा। इस तीनों टॉपिक को लेकर के कोई भी अगर डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 8936058167 है, आप इस पर किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली कॉल बैक करके आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।